ये ट्रांजेक्शन स्क्रीन है मेडिसिन सॉफ्टवेयर का, इसमें सेल, काउंटर सेल, काउंटर सेल कन्वर्शन, परचेस, डीएम, डीएम कन्वर्शन, क्रेडिट नोट, क्रेडिट डेबिट नोट, परचेस रिटर्न, ओपनिंग स्टॉक, ऑर्डर, ऑर्डर जनरेशन, एक्सपायरी बैचेस, रिसिप्ट, रिसिप्ट में कस्टमर रिसिप्ट, जनरल रिसिप्ट, इसमें पेमेंट, पेमेंट में दो टाइप के पेमेंट है, एक वेंडर पेमेंट होलसेलर को जो माल आने के बाद पेमेंट करते वो, और एक जनरल अदर देन सॉफ्टवेयर कुछ पेमेंट रहा वो पेमेंट आएगा। इसमें जेवी एंट्रीज मुझे ट्रांसफर एंट्रीज रहती है कुछ वो। ये प्रिंटिंग मॉड्यूल है, इसमें जितने ट्रांजेक्शन मॉड्यूल दिए हुए उन सभी का प्रिंटिंग बना सकते हैं अपन। इसमें जैसे कभी कोई अदर कॉपीज आपको निकालना है प्रिंटिंग, तो इसमें बिल वाइज प्रिंटिंग, डेट वाइज, ऐसे दो टाइप के प्रिंटिंग आप निकाल सकते हो। प्रिंटिंग मॉड्यूल के बाद में एस्टीमेट, डेली कैश, ये डेली कैश हिसाब निकालने के लिए, क्रेडिट, कस्टमर क्लियरेंस, ऑनलाइन असिस्टेंट, ऑनलाइन असिस्टेंट में ये 5-6 ऑप्शंस दिए हुए हैं। एक होलसेलर कंपनी का कॉम्बिनेशन जुड़ा हुआ है इसमें, कौन सी कंपनी किस पार्टी के पास अवेलेबल रहती है ये कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाएगा। व्हाट्सएप का मॉड्यूल जोड़ा हुआ है, इसमें मास्टर जो आपको वन टाइम फीडिंग करना है, प्रोडक्ट, कस्टमर, होलसेलर, मैन्युफैक्चरर, मार्केटेड बाय, डॉक्टर्स, ऑपरेशन, नरेशन, एरिया, सिटी, जो बार बार लगता है अपने को एरिया सिटी वो फीड कर सकते हैं, अकाउंट्स, सॉफ्टवेयर के कुछ कंट्रोल ऑप्शन रहते हैं। इसमें एक अपडेशन जोड़ा हुआ है, डायरेक्ट रिप्लेसमेंट कुछ करना है, एमआरपी डायरेक्ट चेंज करना है, बैच नंबर चेंज करना है, यूनिट चेंज करना है, ये सब ऑप्शंस कर सकते हो। इसमें परचेसिंग मेड मॉड्यूल जोड़ा हुआ है, इसमें परचेस से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है, होलसेलर वाइज, बिल वाइज, प्रोडक्ट वाइज, मैन्युफैक्चरर वाइज परचेस देख सकते हो। प्रोडक्ट हिस्ट्री में आपको प्रोडक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, प्रोडक्ट का सेल, परचेस, बैच वाइज देख सकते हो, किस पार्टी से खरीदा है ये पूरा डिटेल, पिछले साल का भी डिटेल आप इसमें देख सकते हो, ओपनिंग में कुछ भरा होगा तो वो देख सकते हो। इतने टाइप के रिपोर्ट्स इसमें जुड़े हुए हैं। प्रोडक्ट मूवमेंट्स जैसा जो भी दिन भर का सेल परचेस हुआ है वो आप देख सकते हो, इसमें फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग से प्रोडक्ट्स के बारे में डिटेल मिल जाएगा। स्टॉक रिपोर्ट आता है इसमें, क्लब में मैन्युफैक्चरिंग वाइज सिंगल प्रोडक्ट, ऑल प्रोडक्ट ऐसा देख सकते हो, ऐसे ही बैच वाइज भी आप मैन्युफैक्चरिंग वाइज सिंगल प्रोडक्ट, ऑल प्रोडक्ट देख सकते हो। क्लोजिंग स्टॉक रिपोर्ट आप प्रोडक्ट वाइज, मैन्युफैक्चरिंग वाइज निकाल सकते हो। सेल्स परचेस समरी, प्रोडक्ट वाइज सेल, सेल के समरी और परचेस का समरी निकाल सकते हो। एक्सपायरी बैचेस, इसमें 4-5 टाइप के एक्सपायरी बैचेस के रिपोर्ट है, सिंगल मंथ का निकाल सकते हो आप, जैसे नेक्स्ट मंथ का अगर देखना है तो स्पेसिफिक मंथ, अप टू मंथ में आप पूरे उतने महीने तक का देख सकते हो, जैसे आज अभी मई महीना चालू है तो मई महीने तक, जून महीने तक देख सकते हो। प्रोडक्ट डेज वाइज अगर मुझे देखना है कि 360 दिन में क्या एक्सपायर हो रहा है तो वैसा देख सकता हूँ मैं। हायर एमआरपी वाले प्रोडक्ट्स मुझे देखना है, सॉर्ट आउट करना है तो वो देख सकता हूँ। ऑर्डर क्वांटिटी है, जीपी कैलकुलेशन, इसमें डॉक्टर वाइज, डेट वाइज, प्रोडक्ट वाइज तीनों रिपोर्ट है। इनवर्ड अमाउंट, रजिस्टर, रजिस्टर में डेली के रजिस्टर्स मिल जाएंगे आपको, सेल, परचेस, डीएम, सेल रिटर्न, परचेस रिटर्न, जितने टाइप के ट्रांजेक्शन्स में मॉड्यूल है उन सभी के रजिस्टर बने हुए हैं। एक H1 रजिस्टर देखना है वो देख सकते हैं आप, शेड्यूल एक्स का रिपोर्ट देख सकते हैं, टीबी रिपोर्ट देख सकते हैं, टीबी का एक्सेल निकाल सकते हैं, एक योजना रजिस्टर ले सकते हैं। ग्राफ मिल जाएगा आपको, दो टाइप के ग्राफ है इसमें, होलसेलर वाइज, होलसेलर का लेजर, उनके क्रेडिट नोट जो पेंडिंग है, टोटल क्रेडिट नोट्स, डीएम, डीएम की डिटेल, डीएम का समरी, टोटल होलसेलर से क्या क्या परचेस किया वो देख सकते हैं, उनका पेमेंट रिमाइंडर मिल जाएगा आपको। एमआईएस रिपोर्ट में डॉक्टर वाइज, प्रोडक्ट वाइज,
प्रोडक्ट वाइज, डॉक्टर वाइज रिपोर्ट, डॉक्टर वाइज पेशेंट वाइज रिपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग वाइज सेल देख सकते हैं, कंपनी वाइज सेल कितना हुआ है, डेट वाइज समरी मिल जाएगी, प्रॉफिट रिपोर्ट मिल जाएगी आपको डेट वाइज, प्रोडक्ट वाइज, डॉक्टर वाइज। ये स्कीम पकड़ के रिपोर्ट आता है, ये ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। पेशेंट बिल्स करके रिपोर्ट है, इसमें एडमिट पेशेंट, ऑल पेशेंट, इन सभी का डिटेल देख सकते हो आप। इसमें सेल रिटर्न अलग से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग में डिटेल होलसेलर वाइज कस्टमर वाइज आपको डिटेल आउटस्टैंडिंग मिल जाएंगी। इसमें आपको रिसिप्ट पेमेंट दोनों दिखा देगा। ड्यू बिल्स में आपको होलसेलर वाइज कस्टमर वाइज पूरा मिल जाएगा। ड्यू बिल्स में केवल बिल दिखाएगा, मंथली अकाउंट स्टेटमेंट ये रिपोर्ट नहीं, मंथली अकाउंट, कस्टमर रिलेटेड रिपोर्ट। इसमें भी लेजर और उसके पूरे टोटल बिल देख सकते हो। बुक्स, बुक्स में कैश बुक, बैंक बुक, डिवाइस बुक, अकाउंट रिलेटेड रिपोर्ट में सब अकाउंट बैलेंस रिपोर्ट, रिकंसिलेशन रिपोर्ट, कैश बैलेंस समरी, लेजर समरी, आउटस्टैंडिंग लिस्ट विद इंटरेस्ट। इसमें बारकोड का प्रिंटिंग निकाल सकते हो, परचेस में जितने आइटम आपने परचेस किए उन सभी का बारकोड निकल जाएगा, और स्टॉक के भी पुराने कोई बारकोड निकालना है तो निकाल सकते हो। जीएसटी रिपोर्ट, इसमें इतने सारे जीएसटी रिपोर्ट बने हुए हैं, डिटेल रिपोर्ट बना हुआ है, कंपोजिशन का रिपोर्ट बना हुआ है, जीएसटीआर 1 है, रेगुलर है, एनुअल जीएसटीआर रिपोर्ट मिल जाएगा, जीएसटीआर 4 का रिपोर्ट मिल जाएगा, 3B का रिपोर्ट मिल जाएगा। फाइनल रिपोर्ट्स में लेजर, सब लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट पूरा निकल जाता है। कोई बिल आपका मिस हो गया तो वो उसका डिटेल निकाल सकते हो। पोस्टिंग ऑप्शन दिया हुआ है, कोई एंट्री रिपोस्ट करना है तो कर सकते हो। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन नाम का एक रिपोर्ट है, इसमें आपको मैनेजमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। कोई बिल एडिट हुआ है, नहीं हुआ है, उसके यूजर वाइज आपको कंट्रोल मिल जाता है मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन में। हाउसिंग में ये सॉफ्टवेयर का मेंटेनेंस का ऑप्शन है, इन सभी में सॉफ्टवेयर का मेंटेनेंस हो जाता है। ये इंटरनेट से रिलेटेड कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, जैसे डायरेक्ट ईमेल ओपन करना है आपको, प्रोडक्ट सर्च करना है, व्हाट्सएप की यूटिलिटी दी हुई है, यूट्यूब चैनल दिया हुआ है, कुछ ट्रेनिंग वीडियोस आपको देखना है देख सकते हो। एग्जिट, ये पूरा सॉफ्टवेयर का मेंटेनेंस के ऑप्शंस है। इसमें कुछ शॉर्टकट यूटिलिटीज दी हुई है, जैसे प्रिंटर ड्राइवर एक्सेस करना है, माय कंप्यूटर एक्सेस करना है आपको। इसके बाद फाइनल एक क्लाउड बैकअप यूटिलिटी जोड़ी है। थैंक यू, स्टॉप।